नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसपी वीडियो ट्यूटोरियल में नए वीडियो के साथ देखे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, हर बार जब भी मैं कमेंट से गो थ्रू कर रहा होता हूँ मुझे कम से कम 5 से 10 कमेंट ये मिलते हैं, सर मेडिकल रिजेक्शन के बारे में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मिथ्स हैं, उसको क्लियर करिए। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। मेडिकल के ऊपर यार मैं ज्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ बिकॉज मैं आप लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अफसोस के साथ मुझे ये बात बतानी पड़ती है कि हर 10 में से 3 कैंडिडेट हैं वो मेडिकल आउट हो जाते हैं। मतलब हर 100 में से 70 ही इन होते हैं और 30 मेडिकल आउट हो जाते हैं, जिसमें से 10 से 12 परमानेंट रिजेक्शन वाले रहते हैं, बाकी टेम्परेरी रिजेक्शन। और टेम्परेरी रिजेक्शन में भी हर कोई नहीं है कि 42 डेज बाद वो रिपोर्ट करता है तो वो मेडिकल फिट होता है, वो भी लोग बाहर हो जाते हैं। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे, परमानेंट रिजेक्शन के ऊपर, और क्या वो ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है शायद आप लोगों में से भी किसी को हो सकती है। तो बी वेयर, आप अपना टाइम वगैरह इतना मैनेज करे, इतना पैसा खर्चे, कोचिंग ले और उसके बाद मेडिकल आउट हो जाए, ये नहीं मैं चाहता हूँ, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, मेडिकल का सोच सोच के हम प्रिपरेशन पे अपनी फोकस नहीं करते, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ मेडिकल के ऊपर। पर रेस्ट अब बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ज्यादातर केसेस होते हैं जो इंडियंस में, वो है आईज के, आई 6x6 होनी चाहिए, -3.5 से 3.5 तक होना चाहिए, आर्मी की लिमिट है। और एयरफोर्स और नेवी में चश्मा इज नॉट अलाउड, स्पेक्टिकल्स आर नॉट अलाउड। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे कॉमन है, बहुत कॉमन, वो है साइनस, क्योंकि इंडियंस के अंदर हर 5 में से 2 इंसान को साइनस है सर्वे के अकॉर्डिंग, और उन 2 को अनोइंगली पता नहीं है ये बात। तो साइनस के ऊपर बात करते हैं, होती क्या चीज है ये। पहले क्या होता है, आपको कफ एंड कोल्ड रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो परमानेंट कोल्ड में होता रहता है कन्वर्ट, हमें रोज कोल्ड होने लग जाता है, कफ कोल्ड रेगुलरली लगा रहता है तो हमें पता नहीं होता, हमारा जो म्यूकस है, जो बलगम है, वो यहाँ फेस के आसपास स्टोर होने स्टार्ट हो जाती है और ये साइनस ग्लैंड के ऊपर, मेमोरी ग्लैंड के ऊपर बननी लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वो ग्रेजुअली हमारी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है, हमें जब हम नीचे अपनी गर्दन करते हैं, वी फील वेरी यू नो काइंड ऑफ प्रेशर ऑन आवर फेस, जो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे फेस के ऊपर, फेशियल ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब ये हमारे मेडिकल परमानेंट रिजेक्शन में क्यों आती है ये बात बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम ट्रेनिंग करने जाते हैं किसी भी आर्म फोर्सेज के इंस्टीट्यूशन में, उधर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा रिग्रेस है, ठीक है, साइनस कन्वर्ट होता रहता है धीरे धीरे अस्थमा के अंदर, तो जब भी हम दौड़ते हैं जल्दी सांस फूल जाती है, तो वो सब चीजें हो जाती है इसके अंदर। साथ ही साथ आप डायरेक्ट फेस पे अपने हवा नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारा म्यूकस है, तो डायरेक्ट फेस पे हवा आपको बीमार बना देती है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है इस वजह से, साइनस की वजह से। इसके अंदर होता क्या है, साइनस भी काफी तरीके के होता है, कई बार होता है एलोंगेटेड मसल्स है हमारे, मसल बड़े होते हैं नाक के, नोज के हमारी, कई बार बोन डेविएटेड होते हैं, नसल एफटीएम होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं। आप प्लीज एक बार अपना जो है मेडिकल का करवा लें, अगर आपको जनरली कफ एंड कोल्ड रहता है, फेस का एक्सरे करवा लें, वहां पर आपको पता लग जाएगा आपकी बोन में क्या प्रॉब्लम है, शायद टेढ़ी भी हो सकती है। मेरी जो बोन है वो टेढ़ी 0.5 से वो ज्यादा है डेविएशन उसकी, जिस वजह से मेडिकल रिजेक्शन है, ठीक है। तो ये बात को समझो, आप फेस का अपने एक्सरे करवाओ, ENT एक्सरे करवाओ, तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, बिकॉज अपना हार्डवर्क पुट इन करोगे प्रिपरेशन करने के लिए, देन आउटकम में अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो वो थोड़ा बुरा लगेगा आपको, ठीक है, तो उसके ऊपर काम करो। नेक्स्ट जो परमानेंट रिजेक्शन का है वो है हमारे स्वेटी पाम्स, या हाथ में पसीना आता होता है लोगों के कई, ठीक है, सर्दियों के केस में कम है, विंटर के केस में, गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना आता है हमारे पाम्स के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो जब ऑफिसर क्या करता है, वो फिंगर डालता है ऐसे और आपको ग्रेजुअली पकड़ के रखनी होती है, अगर ये फिंगर ऐसे निकल गई दैट मीन्स यू हैव स्वेटी पाम्स, अगर ऐसे पकड़ नहीं रही उंगली और नहीं निकल पाई तो फिर देन इट्स ओके, ठीक है, बट अगर निकल गई तो ध्यान रखना ये जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मेजर है, परमानेंट रिजेक्शन ही मिलती है इसके अंदर, टेम्परेरी रिजेक्शन नहीं मिलती। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑल्टरनेटिव है, आप सोप से हाथ धो के जाएं अपने, यही ऑल्टरनेटिव है इसका मेडिकल से पहले, ठीक है। रेस्ट अगर प्रॉब्लम हुई तो पकड़ी तो वहां पर जाएगी, तो आप पहले ही चेक कर लें, ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट बात आती है हमारी टेनिस एल्बो की, बहुत लोगों की जिनके पास वेट जो बहुत कम होता है, जिन लोगों का ज्यादातर गर्ल्स के केसेस में भी होता है, बॉयज में भी होता है, जो बहुत जिनकी कम वेस्ट है, कम वेट है, मसल मास कम है बॉडी के ऊपर, तो उनके लिए होता है, उनकी क्या होती है ये जो एल्बो है तो ये डेविएटेड होती है, यहाँ से पॉइंटेड होता है, जो लोग यहाँ पर बोन जो है बाहर निकली होती है,
ये टेनिस एल्बो होती है जो, और जो ये बीच वाला पार्ट होता है ये एलोंगेटेड होता है हमारी एल्बो से, ठीक है, जॉइंट नहीं होता। मतलब स्केल रखकर आप चेक कर सकते हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन में आपका पाम आ सकता है एक साथ तो देन इट्स ओके, अगर बाहर दिख रही है बोन बल्जिंग आउट हो रही है बोन की तो फिर प्रॉब्लम है। ये भी दोस्तों एक वो परमानेंट रिएक्शन है। इसका अल्टरनेटिव ये आप रोप्स बांध सकते हैं ऐसे सर्कुलर वे में अपने जो है एल्बो के ऊपर, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा बस ज्यादा नहीं। अगर डेली बांधोगे एक महीना 3 से 4 मिनट बांधना है, ज्यादा नहीं बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी आपके आर्म पे, तो वो आप ध्यान से बांध सकते हैं इसके ऊपर। ये अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट अल्टरनेटिव जो है इसका वो है आप डेली वेट लिफ्टिंग करिए, जिम ज्वाइन करिए, डंबल्स पिकअप करिए अपने, तो फिर उससे क्या होगा मसल मास आपकी बॉडी के ऊपर होगा, प्रोटीन वाला हाई प्रोटीन डाइट खाइए, मसल मास इंक्रीज होगा आपकी बॉडी पे तो ये बोन ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है नॉक नीज। बहुत लोगों को मिथ है लॉन्ग नीज के अंदर कि वो ऐसे हाथ डाल के देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है अपने टो को दोनों आपस में फीट मत जोड़ो, फीट नॉर्मल खड़े हो, स्टैंड नॉर्मल। अगर फिर आपके जो है बोन अटक रही है दोनों के, ठीक है, जो घुटने हैं दोनों आपस में टकरा रहे हैं ऐसे, फीट आपके ऐसे होने चाहिए दोनों, और घुटने अगर टकरा रहे हैं आपके आपस में देन वो नॉक नीज है। अगर सिंपल नहीं टकरा रहे, सिंपल ऐसे ही खड़े हैं दोनों फीट, तो फिर वो नॉर्मल है, इट्स ओके, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। एक बार आप जरूर गूगल पे भी चेक कर ले नॉक नीज कहते होते हैं, आपको इमेज दिख जाएगी एग्जैक्ट, ठीक है दोस्तों। तो मेडिकल के बारे में बी प्रिपेयर्ड। और एक जो कॉमनली कभी कभार हो जाती है लोगों में प्रॉब्लम वो ईयर की होती है, ईएनटी कनेक्शन में कई बार टॉन्सिल्स होते हैं उसकी भी टेम्परेरी रिजेक्शन है, तो आप ऑपरेट करवा सकते हैं टॉन्सिल्स, कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। ईयर्स ईएनटी की प्रॉब्लम होती है लोगों में, सुनना थोड़ा कम होता है, तो वो भी अगर आप कान वगैरह साफ करवा के जाएं तो इट्स बेटर। एसएसबी से पहले आप कान साफ करवा के जाएंगे किसी भी स्पेशलिस्ट से, ईयर स्पेशलिस्ट से, ईएनटी स्पेशलिस्ट से आप कान साफ करवा के जाएं तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके थोड़े मिस क्लियर होंगे, थोड़े डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो प्लीज एक बार ये जो मैंने बातें बताइए अपने डॉक्टर से, इन चीजों से कंसल्ट कर लें। और जिसको भी कफ एंड कोल्ड रहता है फेस का एक बार एक्सरे चेकअप करवा लें डॉक्टर से कि क्या आपको साइनस है क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।